मॉर्निंग चिल्ड्रंस क्लास 5 चैप्टर 2 सब्जेक्ट मोरल वैल्यू चैप्टर नेम नो वन इज ऑलवेज फ्री। सैम वाज अ बॉय हु लव्ड टू प्ले। सैम एक ऐसा लड़का था जिसे खेलना बहुत पसंद था। ही वाज फॉन्ड ऑन प्लेइंग गेम एंड नथिंग एल्स। वह पूरे दिन खेलता रहता था, इसके अलावा कुछ नहीं करता था। नो अदर वर्क इंटरेस्टेड हिम, और उसे किसी काम में मन भी नहीं करता था। बट हू वुड ऑलवेज बी फ्री टू प्ले विद हिम, पर कोई हमेशा फ्री नहीं रहता था उसके साथ खेलने के लिए। वन डे फीलिंग क्वाइट बोर, एक दिन जब वह बोर हो रहा था, ही सेट आउट टू फाइंड अ फ्रेंड टू प्ले विद। वह एक मित्र की खोज में निकला जो इसके साथ खेल सके। ही मीट अ स्क्वायरल ऑन हिज वे, उसे रास्ते में एक गिलहरी मिली। मिस स्क्वायरल वुड यू लाइक टू प्ले विद मी, उन्होंने बोला। मिस स्क्वायरल क्या आप मेरे साथ खेल सकती हो। नो आई कांट, आई हैव अदर वर्क टू डू, उन्होंने बोला। नहीं, मेरे पास बहुत काम है, रिप्लाइड द स्क्वायरल। स्क्वायरल ने उत्तर दिया। सेइंग टू शी रन टुवर्ड द टॉप ऑफ द ट्री टू कलेक्ट फूड्स फॉर देयर फैमिली। उसके बाद वो एक पेड़ पर चढ़ गई और अपनी फैमिली के लिए फ्रूट्स को इकट्ठा करने लगे। सैम केप्ट वॉकिंग अहेड, सैम सीधे चलता रहा। ही केम अपॉन अ स्पैरो, उसके बाद उसे एक स्पैरो मिली। मिसेस स्पैरो विल यू जॉइन मी इन प्ले इन अ गेम, कि आप मेरे साथ खेलोगी। आप सैम, यू वांट टू प्ले, आप सैम ने पूछा। यू वांट टू प्ले, क्या आप मेरे साथ खेलोगी। देन प्ले योर गेम बाई योर सेल्फ, जो आप गेम बताओ वो। आई हैव टू फाइंड ट्विंग्स टू बिल्ड माई नेस्ट, स्पैरो ने बोला कि मैं अपने नेस्ट के लिए, अपने घोंसले के लिए एक तिनके इकट्ठे कर रही हूँ। कैन यू सी आई एम बिजी, क्या तुम्हें दिख रहा है मैं व्यस्त हूँ। सेइंग टू द स्पैरो फ्यू अप, यह बोल के स्पैरो उड़ गई। सैम वाज अगेन लेफ्ट अलोन, सैम फिर से अकेला पड़ गया। सैम केप्ट सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड टू प्ले विद, सैम अपने मित्रों की खोज कर रहा था जो उसके साथ खेल सके। ही सो मैनी पीपल डूइंग देयर वर्क ओन वर्क, उसने बहुत सारे लोग मिले पर जो अपने काम में व्यस्त थे। सडनली ही सॉ अ बी बजिंग अबाउट, अचानक से उसे एक बजिंग करती हुई बी मिली। हाय मिस्टर बी, सैम ने बोला। हाय मिस्टर बी कॉल्ड आउट हैप्पीली, व्हाट अ फाइन डे इट इज़, कि आप यहाँ क्या ढूंढ रही हो। व्हाई डोंट यू स्पेंड सम टाइम विद मी, क्या आप मेरे साथ थोड़ा सा समय व्यतीत नहीं कर सकती हो। एंड हाई एस प्ले, और हम लोग साथ में खेलें। लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, क्या हम लोग हाइड एंड सीक खेल सकते हैं। द बी रिप्लाइड, बी ने उत्तर दिया। नो सर, नो आई डोंट हैव एनी टाइम टू वेस्ट ऑन प्ले, उन्होंने बोला कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है खेलने के लिए। आई हैव टू गैदर हनी, मैं शहद इकट्ठा कर रही हूँ। आई हैव टू गो, मैं जा रही हूँ। आई एम बिजी अवे फ्रॉम देयर, और बी वहाँ से उड़ गई। सैम दे वन टू द रिवर, सैम जो था एक नदी के किनारे गया। द रिवर इज ऑलवेज फ्री, और नदी हमेशा खाली रहती है, फ्री रहती है। आई विल श्योरली प्ले विद मी, उसने सोचा कि ये जरूर मेरे साथ खेलेगी, ये तो फ्री रहती है। थॉट सैम, सैम ने सोचा। बट द रिवर रिप्लाइड, पर रिवर ने उत्तर दिया, नदी ने उत्तर दिया। यू थिंक आई एम फ्री, तुम्हें लग रहा है मैं फ्री हूँ। आई हैव लोड्स ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत काम है, बहुत वजन है मेरे पास काम का। कांट यू सी, तुम्हें दिख नहीं रहा है। एंड आई कैप फ्लोइंग टूवर्ड इट्स वर्क, मैं लगातार ही बहती रहती हूँ। द गुड ओल्ड सन वॉज वॉचिंग ऑफ दीज, एक ऊपर सूरज ये सारी चीज़ें देख रहा था। ही स्टार्टेड लाफिंग एट सैम फ्लाइज, वह सैम पर हंसने लगा। ही चक्ड, डियर सैम डोंट यू सी, उसने बोला। प्रिय सैम, तुम्हें दिख नहीं रहा। नो वन इज ऑलवेज फ्री, कोई हमेशा फ्री नहीं रहता। ऑल ऑफ देम हैव सम वर्क ऑफ देयर अदर, सबके पास अपना अपना कोई ना कोई काम रहता है। सो गो होम सैम एंड हेल्प योर मदर, इसलिए अपने घर जाओ और अपनी माँ की मदद करो। स्टार्ट स्टडिंग एंड डू योर वर्क, और पढ़ना लिखना शुरू करो और अपने घर का काम में हाथ बटाओ। नाउ सैम अंडरस्टूड डैट ही वॉज ओनली वेस्टिंग हिज टाइम, सैम को समझ में आ गया वह अपना समय सिर्फ वेस्ट कर रहा था, ख़राब कर रहा था। ही वेंट होम एंड स्टार्टेड हेल्पिंग हिज होम एंड स्टडी, वह अपने घर लौट गया और अपनी माँ की मदद करी और अपनी पढ़ाई लिखाई में अपना स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। थैंक यू।